में राजा था और यहाँ का राज आज भी फोड़ देगा। नहीं जीता अब, जो भी अभी बाहरी का हटाना है, अब जो पर्सनल निजी है उसको अब रखना है। तो कहते हैं कि बहुत लोगों का घर सवार दिया हमने शराबबंदी करके, घर 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 यारों दारू खुलवा दिया। हाँ, तो तरीका लोगों ने अपना लिया। आप बोलिए बोलो, कितना दारू पी लिया, अभी दारू मिल जाएगा शिवर में? कौन शिवर में? देखिए इस बार बदलाव होगा, आरजेडी का। आरजेडी का क्या कारण है? उसका कारण हर 2 करोड़ रोजगार देगा युवा का, दूसरा यूनिट बिजली फ्री देगा, हर महिला को 1 लाख रुपया देगा। शिवहर में कौन? ऋतुराज। लवली आनंद जायसवाल जी। जायसवाल जी, जायसवाल जी क्यों? क्यों नया चेहरा निखर रहा है? ऋतु जायसवाल पे ज्यादा आपको भरोसा है? जी हाँ, लवली आनंद जी आए हैं, ऋतु जायसवाल जी जो आए हैं तो जनता समंसज में पड़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत जनता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी शिवहर के 0 माइल चौक पे है। शिवहर में इस बार बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से ऋतु जायसवाल को जिम्मा मिला है, दूसरी तरफ जो एनडीए है उसमें लवली आनंद को मिला है, और आज ही एक निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश्वर योगी महाराज जो है वो मैदान पे उतरे हैं। तो हम शिवहर की जनता से उनकी राय पूछने आए हैं कि इस बार उनकी पसंद कौन होगी, ऋतु जायसवाल, लवली आनंद या अन्य जो प्रत्याशी होंगे, वो क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? ऋतु जायसवाल होगा। ऋतु जायसवाल क्यों, क्या मतलब, कैसे ऋतु जायसवाल लगता है आपको? देख रहा हूँ हर चीज से काम अच्छा कर रहा है, पहले से भी काम करते आ रहा है। पहले से काम करते हैं ऋतु जायसवाल जी सीतामढ़ी से? सीतामढ़ी से है। तो लगता है कि वो यहाँ आके काम करेगा? वो काम करेगा, निश्चित है काम करेगा। अच्छा, राजद का साथ मिला है उनको, क्या कहिएगा राजद के बारे में? राजद के बारे में क्या कहेगा, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रही है पार्टी, अच्छा काम कर रही है, ठीक है। दूसरी तरफ लवली आनंद है? लवली आनंद नहीं जीता अब, जो भी अभी बाहरी है का हटाना है, अब जो पर्सनल निजी है उसको अब रखना है। वो बाहरी है तो वो सीतामढ़ी से ऋतु जायसवाल जी है, लवली आनंद सहरसा से है, तो कैसे दोनों ही बाहरी हुई या नहीं हुई? तो बाहरी कहाँ हुआ, सीतामढ़ी के तो बाहरी थोड़ी हुआ, अपना निजी पर्सनल ना हुआ, अभी तो बाहरी है तो बाहरी ना कहेगा, नहीं रखना है ना। ऋतु जायसवाल, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। क्या नाम हुआ सर आपका? रघुपति यादव। यही शिवहर से ही है? नहीं, हम बाहरी हैं। बाहरी, बाहरी कहाँ से है? दूरी है 10 किलोमीटर दूरी है। 10 किलोमीटर तो शिवहर के ही ना कहला है। इस बार क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, मोदी सरकार, मोदी सरकार या लवली आनंद? मोदी सरकार का ही मालूम है, प्रत्याशी को तो जानते होंगे ना, एक तरफ ऋतु जायसवाल है, एक तरफ लवली आनंद है, क्या लगता है कौन बाजी मारेगी? मोदी सरकार का तो मालूम चल रहा है कि जो मारेगा नीतीश कुमार जी साथ में, उन्हीं के प्रत्याशी है वो पलटू लाल है। कौन है? पलटू लाल। अच्छा, पलटू चाचा, हम लोग नाम रखे हैं पलटू चाचा। हाँ, पलटू मुख्यमंत्री है वो। हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, पलटू चाचा है, पलटते है सब तरह। भाग्य नारायण गुप्ता, इस बार शिवहर में कैसा देखने को मिल रहा है, क्या लगता है संभावनाएं क्या है, कौन जीतेगा? अभी देखिए सर, अभी शिवहर की जनता भी तय नहीं किया है कि किसको वोट करे, फिर भी एक मन में तो होगा ना कि ये प्रत्याशी ज्यादा अच्छी है। प्रत्याशी अच्छी दोनों ही है, लेकिन मेन चीज है गठबंधन में जो लवली आनंद जी आए हैं, ऋतु जायसवाल जी जो आए हैं, तो जनता समंसज में पड़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत जनता है। इसी चलते जनता भी तय नहीं कर पा रही कि वोट किसको करे। प्रधानमंत्री को नुकसान होगा आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, प्रधानमंत्री जी तो बनना है मोदी जी को ही, लेकिन नीतीश कुमार के सीट के वजह से जो है जनता अभी असमंसद में कि वोट किसको हम करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता? उसमें तो सर जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि शिवहर सीट हमेशा बीजेपी की रही है और यहाँ की जनता टोटल 90% बीजेपी के ही सपोर्ट करता था। 90% उसमें कहीं कोई प्रचार का जरूरत था ही नहीं। एक तरह से ऋतु जायसवाल है, राजद से है जी, राजद से, हाँ, वो बैस से हैं, और ये जो है तो शिवहर बैस की हमेशा सीट रही है। अच्छा। इसी चलते यहाँ की जनता अभी फाइनल नहीं कर पा रही है कि वोट किसको दे, एक तरफ मोदी जी को देख रहे हैं और दूसरी तरफ कैंडिडेट को, तो इसका भी फाइनल शिवहर की जनता नहीं की है। ये आपको, हाँ, अभी 2-3 दिन इलेक्शन से पहले आपको पता चल पाएगा कि कौन हार रही है कौन जीत रही है। क्या बोल रहे हैं? रामा देवी है ना, कौन देवी है? न्यू जब है ना, हाँ, उन्हीं हम लोग इसी को वोट देंगे। बयास होता कोर्ट में कौन हो, हम दूसरी वोट देंगे। क्यों वोट? लमटेन साहब के। अच्छा, राजद को दीजिएगा? जी हाँ, राजद समर्थक है। हाँ, राजद समर्थक है। गमछा टांगे हुए आप बीजेपी वाला?
नहीं, ये हम सब ये करते हैं, सब दिन रखते हैं। जी जी हाँ, ऐसा मतलब कंफ्यूजन होता है, ऐसा कोई देखता है जहाँ पे गमछा तो कहता है कि बीजेपी वाला गमछा। नहीं ना, वो बदल ना सकते, रंगों से हम बट गए हैं आजकल। जी नहीं, हाँ, हो सकता है रंग से हम तय कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी के समर्थक है, कौन सी जी नहीं। हमारे बारे में पूछेगा तो हम राजद है और यहाँ का राज आदमी वोट देगा इस बार। राजद हाँ, एकदम सीतामढ़ी शिवहर एकदम भरा हुआ राज्य रहेगा जी, जल के रहेगा एकदम जलना है बुआ जी। आखिर क्या कारण है इतना पसंद करने का? कारण ये है कि जैसे पहले नीतीश कुमार ठीक थे, पहले बात समझिए सूरत में ठीक थे, इसके बाद क्या किए कि जब सब काम हो गया, जब ये मिल गए तो सारा आदमी मिल के इनको दारू बंद करा दिया, तो बिहार का आदमी तो कमाता है पान से, आप पीता है पा भर झूठ क्या लगा आपसे, गलत आदमी अगर नहीं पिए हुए हैं उसको गलत फंसा देता है, समझना बड़ी फंसा के निर्दोष फंस रहे हैं। जी हाँ, निर्दोष फंस रहा है। अभी बिल्डिंग मिला, बिल्डिंग मिला है उसको आपको डर नहीं चाहिएगा। अब हम आ गए पान पी के, अब हम बढ़ गए, पैसे वालों को डर नहीं है। जी नहीं, अच्छा, इसीलिए उसको वोट नीतीश कुमार का नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बहुत लोगों का घर सवार दिया हमने शराबबंदी करके, घर का उधर घर घर यारो दारू खुलवा दिया। हाँ, क्या तरीका लोगों ने अपना लिया? आप बोलिए, बोले कितना दारू पी लिया, अभी दारू मिल जाएगा? ना ना ना, भाई साथ कुछ युवा है उनसे पूछेंगे। युवा को, बिहार के युवाओं के बारे में कहा जाता है कि कुछ जाने ना जाने लेकिन राजनीति के बारे में जरूर जानते हैं, तो क्या लगता है इस बार शिवहर में कौन? शिवहर में देखिए इस बार बदलाव होगा, कौन मजबूत कैंडिडेट के रूप में देख रही है? देखिए हम लोग का क्या है कि यहाँ लोकसभा क्षेत्र में, हम लोग इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, हम लोग का सारण लोकसभा क्षेत्र है। सारण जी, सारण से रोहिणी आचार्य हैं। जी रोहिणी आचार्य हैं और वहाँ बीजेपी कैंडिडेट हैं वो राजाजी प्रताप रूढ़ी जी। अच्छा, यहाँ तो रहती है लेकिन कुछ, यहाँ तो आप रहते हैं तो कुछ तो अनुमान होगा? यहाँ रहते हैं लेकिन यहाँ शिवहर विकसित नहीं है। देखिए नली गला है अभी तक विकसित, सालों भर वहाँ पे पानी लगा रहता है, गली में है, गली में अभी तक यहाँ गली ढलाई नहीं हुआ है, पूरा ढली में ढलाई समस्या है। जी बहुत सही समस्या है। क्या बनेगा? आरजेडी का, आरजेडी का क्या उसका कारण? हर 2 करोड़ रोजगार देगा युवा का, दूसरा यूनिट बिजली फ्री देगा, हर महिला को 1 लाख रुपया देगा और उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा देगा, किसी को बाहर कमाने नहीं जाना होगा। जितना मैनिफेस्टो में जितना वादा किया गया आपको सब याद है लगता है? हाँ, सब करेगा वादा, वादा करेगा युवा, युवा नया। जीतने के बाद वादा भूल भी तो जाते हैं? नहीं भूलेगा, नहीं तेजस्वी यहाँ तो बोल रहा है सब कुछ मुद्दे पर बात कर रहा है। भूलेगा तो फिर से बदलाव किया जाएगा। सब्जी खरीद के आ रहे शिवहर से ही है आप? जी हाँ। शिवहर में इस बार कौन? इस बार शिवहर में कौन? ऋतुराज लवली आनंद, जयसवाल जी। जयसवाल जी, जयसवाल जी क्यों? क्यों नया चेहरा निखर रहा है ऋतु जयसवाल पे ज्यादा आपको भरोसा? जी हाँ। लवली आनंद से क्या तकलीफें हैं? क्योंकि ऋतुराज को बाहर के हैं, बाजार की जनता से पूछे कि क्या तकलीफ है, यहाँ के गरीबों को बराबर जेले खटना पड़ रहा है, लालटेन जलेगा, इसीलिए हम टीवार लालटेन को जलाना है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा दीपक हुआ। फिर से यही सवाल दोहराना चाहती हूँ कि इस बार पूर्ण इस पे शिवहर में कौन? मैम हम बाहर में, मेरा जहानाबाद जिला घर हुआ। जहानाबाद है, रहते हैं आप यहाँ? कुछ अनुमान यहाँ के बारे में? नहीं मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी लेकर। जहानाबाद में कौन इस बार? सुरेंद्र प्रसाद, आरजेडी। जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध है। शिवहर से ही हैं? नहीं जहानाबाद से हैं। जहानाबाद से? अच्छा, जहानाबाद से कौन इस बार? यहाँ से एम्प्लॉय हैं BSNL का। यहाँ एम्प्लॉय हैं BSNL का जो जॉब करते हैं। हाँ, जहानाबाद से क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है, चुनाव जीतने वाला? जहानाबाद से सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव, हाँ। आप यहीं के हैं? जी जी, शिवहर से हैं। शिवहर से हैं। शिवहर में कौन इस बार? लवली आनंद ही जीतेगी, अपार बहुमत से जीतेगी। अच्छा, गठबंधन का फायदा मिलेगा उनको बीजेपी के साथ आने का? बिल्कुल फायदा मिलेगा उनको, क्योंकि नीतीश कुमार जितना काम किए हैं बिहार में, कहीं भी जाइए रोड से लेकर के नल जल से लेकर के जो भी सुविधा है सब मतलब काफी बेहतर है, काफी बेहतर। मैं उनका सराहना करता हूँ। हाँ, लेकिन बहुत लोग तो उनको उनके पलटने की वजह से कोसते हैं कि बार बार पलट जाते हैं, एक जगह रहते टिक के नहीं रहते,
ठीक है बोलते हैं पलटने के, लेकिन स्थिति और आपको परिस्थिति को देखते हुए आदमी काम करता है ना। वहाँ नहीं जमा नहीं रहे, नहीं रहे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लवली आनंद बिल्कुल बिल्कुल तीर्था एकदम तीर्था। तो आपने देखा हमारे साथ शिवहर की जनता थी, सबका अपना अपना मत है, किन्हीं का कहना है कि लवली आनंद ही ठीक है, किन्हीं का कहना है नहीं बदलाव होना चाहिए ऋतु जायसवाल, क्योंकि राजद से है तो राजद का फायदा उनको जरूर मिलेगा। आपने जनता की राय सुनी, बाकी आपकी क्या राय थी, आपको क्या लगता है कि शिवहर से इस बार कौन बाजी मारने वाला है, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।